अस्सलामुअलैकुम, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये गवर्नमेंट सिंध की तरफ से सस्ते आटे की गाड़ियां आई हुई हैं जो गुलबर्ग टाउन के अंदर आई हुई हैं। तो गुलबर्ग टाउन में आवाम को आटा रिलीफ आटा दिया जा रहा है। जो बाजार में 10 किलो का आटे का थैला 650 रुपये का हुआ हुआ है, वो क्या कहते हैं थैला, आपको यहाँ पर 650 रुपये का मिल रहा है। जो 1400 रुपये का आटे का थैला हुआ हुआ है, ये देखें, ये आवाम सारी आटा जो ले चुकी है, ये वो लोग हैं। ये गवर्नमेंट सिंध की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा है, जो 650 रुपये का आटा दिया जाता है, जो बाजार में 10 किलो आटे का थैला 1400-1300 रुपये का चल रहा है। ये आवाम ले चुकी है जो आटा, और बाहर मजीद भीड़ है जो बदतमीज़ी लोग कर रहे हैं। लोग एक दूसरे का वॉलेट निकल, मेरा अपना खुद अंदर आते हुए मेरा अपना खुद वॉलेट निकल गया, जिसमें ATM कार्ड सब चीज़ मेरी चीज़ें थी जो ज़ाया हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आने तक कितनी मुश्किल हो रही है। देख सकते हैं आवाम, ये बदतमीज़ आवाम है जो जिन्होंने मेरा अपना वॉलेट मार लिया गया। इस आवाम ने इंसान इंसानियत बन के दो दो थैला ले, राशन अपने घर के लिए ले, नहीं ये लोग सेल करने के लिए आटा ले रहे हैं। आवाम इनको परेशान कर रहे हैं, हमले को पूरे तरीके से परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमले को बहुत पूरे तरीके से परेशान कर रहे हैं, के अंदर बाहर गाड़ियाँ नहीं निकलने दे रहे। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ निकलने के लिए लाइन लगी पड़ी है, गाड़ियाँ सारी, ये देखें आप, मेरे देखे गाड़ियाँ सारी बाहर निकल, ये आवाम इतनी बदतमीजी तरीके हुई हुई है कि किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये इतने बेईमान चोर हुए हैं कि मेरा अपना खुद वॉलेट गया यहाँ से। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लीव की आटा कैसे दे रही है आपको, आप तरीके से नहीं, एक एक थैला दो दो थैला जो घर की राशन की ज़रूरत है, ये थोड़ी क्या आप दस थैले ने, ये देखें ये आप आवाम का, ये देखें आटे जोड़े दस थैले लिए, एक से दो थैले ले लें। आप देख सकते हैं कि एक से दो थैला घर की राशन की ज़रूरत के लिए बहुत होता है। आप ये देखें कि आवाम इतनी बदतमीज तरीके से हुई हुई है, इन्होंने मेरा अपना वॉलेट मारा है कि इनके लिए काम करने हम आए और इन्होंने हमारा वॉलेट मार लिया। आप देख सकते हैं इतना, ये देखें चारे पुलिस वाले भाई भी सब खड़े हुए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इनके लिए परेशानी हुई है, आवाम बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बाहर कर रही है। ये गवर्नमेंट सिंध की तरफ रिलीफ आटा दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट सिंध का मंसूबा होता है कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए, मगर यहाँ आवाम बदतमीजी की तरह उतरी हुई है। अरे अमला गया है यहाँ के टाउन वाले ऑफिस, हाँ ये बोलोगे इसके डिपार्टमेंट, ये देखे ये अमला चाह रहे रोकने के चक्कर में लगे हुए हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, इनको धक्के दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर धक्के दे रहे हैं, इतने बदतमीजी से लोग धक्के दे रहे हैं। आप ये देखिए अमला गुलबर्ग टाउन का अमला है जो खुद काम कर रहा है अपने तौर पर, इनके साथ बदतमीजी हो रही है। आप ये देखें कितने कितने आटे के थैले लिए हुए लोगों ने, एक से दो थैला ले रहे आदमी इस्तेमाल के लिए। आप ये देखें आठ चार चार पाँच पाँच छः थैले हर फैमिली ने लिए हुए हैं। बात इनकी कर रहे हैं भाई, ये वर्कर हमारे आसिफ भाई जो इंतजामिया के यहाँ देख रहे हैं। आसिफ भाई कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या आवाम जो बदतमीजी कर रही है, यहाँ तो सहूलत के लिए भेजा जा रहा है लोगों को, लेकिन लोगों ने ऐसी तैसी की हुई है और मार रहे हैं, नोच रहे हैं, दबा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। आपका भी जी बिल्कुल, मेरा भी अपना वॉलेट चला गया यहाँ से। आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट, ATM कार्ड, ड्यूटी कार्ड, सब चीज़ उसके अंदर थी, गाड़ी के पेपर सब चीज़। ये ऑफिस गेट का तोड़ा जा रहा है गुलबर्ग टाउन का, इतनी आवाम बदतमीजी जाहिलियत तक कर रही है। आप देख सकते हैं ये देखें लाइनें, अभी भी अंदर भी लाइनें, बाहर भी इतना रश लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप अभी भी है, ये रिलीफ आटा दिया जा रहा है। ये भाई यार ये लाइन बना के आटा दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया करें, शेयर किया करें, लाइक, हमने आपको पहले भी बताया था, हम अपनी जानो जोकत पर खेल कर आपके लिए वीडियो बना कर लेके आते हैं। देखिए आज हमारे साथ यही वही सीन हुआ कि हमारी जेब कतरी गई, जिसके अंदर हमारा वॉलेट, जिसमें ATM कार्ड, NIC सब चीज़ मेरी चली गई है। ये भाई सारे इंतजामिया वाले भाई हैं, सब इंतजामिया में खड़े हुए हैं जो देखभाल कर रहे हैं। ये आवाम का जम्बे कफील जो बाहर लगा हुआ है, इतने बदतमीजी तरीके से खड़े हैं कि आदमी दो आटा तीन ले ले अपने घर के लिए, नहीं मगर यहाँ तो सेल आउट करने के लिए बाहर जाके सेल आउट कर रहे हैं आटा 600 में। आप जाके देखे रक्षे में चिंची में भरे पड़े, 10-10-20 थैले भरे हुए हैं, जो आवाम ने हरकतें कर रही हैं बाहर। इस तरह गवर्नमेंट थोड़ी चलती, गवर्नमेंट तो चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट को मुश्किल से वैसे ही चल रही है, गवर्नमेंट वैसे ही मुश्किल में है। हमारा डिपार्टमेंट है
साजिश में कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी यहाँ पर हमारे सूबे में ये महंगाई के तूफान उठ रहे हैं उसको किस हद तक कंट्रोल किया जा सके तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। उस कंट्रोल के हवाले से हमें उन्होंने ये जानकारी से हट के ओवरऑल 90% यहाँ पे ट्रेडर्स हैं इनको मना कर चुके हैं तो अरेस्ट करवा चुके हैं इनका माल छीन के दोबारा खबर करा चुके हैं हमारे तमाम अफसरान इस और सारी चीज़ों में तक काम करते। अच्छा एक आपसे मैं खड़ा ये देख सकते हैं K20 की तरफ से भी आए हैं मीडिया की तरफ से भी आए हैं ये फूड इंस्पेक्टर खड़े हैं। एक मिनट आप हमें करने दो फिर उसके बाद आप कर लेना ओके करना यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो सेल्स फूड अथॉरिटी के अफसर हैं वो यहाँ पर बता रहे थे कि कराची में मुख्तलिफ मकाम पर हम सस्ता आटा जो सिर्फ हुकूमत से दुकान है वहाँ खरीद करें लेकिन यहाँ पर 10% लोग जो हैं जो सफ़ेद पोश है जो उनको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल ले पा रहे। मुस्लिम लोग यहाँ आकर आटा लेकर और माफिया महंगे दामों में फरोख आ जाइए और हमारे साथ जानते हैं क्या कर रहे हैं आटा फरोख ये यहाँ पर जो है ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर मजबूत एक सस्ता आटा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फरोख करने के कहा गया था तो 10% जो आटा मैसर होना था वो भी हुआ यहाँ पर गैर मकामी लोग आए हैं और वो आटा खरीद कर और महंगे दामों फरोख करें हमारे साथ सब मजबूरी से बात करेंगे क्या कहेंगे इस बारे में। हम ये थोड़ा सा तानिश होने वाली कोशिश है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो जायज़ हथियार है उन तक आटा पहुँच सके लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ के माहौल को यहाँ के निज़ाम को यहाँ पर ट्रेडर्स मौजूद हैं 90% और 10% जो है ना एक्चुअल जो मुस्तहक है वो मौजूद है। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस मौजूद है यहाँ की टाउन इंतजामिया मौजूद है यहाँ के डिप्टी लोग यहाँ पर आटा कौन लोग खरीद के जा रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वही आ रहे हैं बार बार लाइन में इनको अरेस्ट भी कर चुके हैं इनको पकड़ भी चुके हैं इनका माल भी छीन चुके हैं लेकिन किसी सूरत बात जिनका ये कहना था कि यहाँ पर हम लोग जो है आटा जो हम फरोख करने हैं जो सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो आज के इस महंगे महंगाई के दुकान में पिस चुके हैं हम उनको आटा देने के लिए यहाँ पर आया मुख्तलिफ जगह पर मकाम पर हमने आटे सस्ते आटे की सिलसिले में फरोख करने के लिए यहाँ पर गैर मकामी लोग और ऐसे लोग आ रहे हैं जो ट्रेडर हैं जो आटा खरीद कर ढाबा डालकर वो आटा लेकर और महंगे दामों में फरोख कर रहे हैं। जी आप आवाम की भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ लगती है गेट से बाहर तक लाइनें बन के जा चुकी हैं। ये गवर्नमेंट सिंह की तरफ से आटा जो दिया जा रहा था उसकी है आप ये देखें ये बदतमीजी से कर रहे हैं अभी भी लाइन के लिए कह रहे हैं सीधा करें तरीके से जाके आप लोगों आवाम को आटा दिया जा सके। आप देखते हैं गुलबर्ग टाउन के अंदर इतनी बदतमीजी से ये लोग कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं सब कितने कितने हैले लिए हुए हैं। वीडियो पसंद आए शेयर किया करें लाइक किया करें सब्सक्राइब किया करें। कब से लाइन में खड़ी हुई आप 9:30 8:00 अब तक अभी तक आपको आटा नहीं मिला मिला दो बोरी दोबारा बजे बारह बजे कभी दो तीन बजे एक बोरी नहीं मिली बस मिट्टी के पास झंडे लेके दी कहें क्या ये जगह दे रहा है कि अच्छी तरह रोका होता है यहाँ जो फॉलो कर लीजिए फोटो कॉपी के साथ यह अच्छी तरह तकलीफ फाइनेंस करा कर पुलिस वाले या स्टेट का करो जनता से झंडे से मार नहीं करा कर।